भारत इजराइल की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में है। पीएम मोदी और नेतन्याहू की जोड़ी एक साथ टीवी कैमरे पर जितनी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, उससे ज्यादा मजबूती दोनों देशों के रिश्ते में है और दोनों देश एक दूसरे के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। यही वजह कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर लाए गए दो प्रस्तावों पर भारत ने वोटिंग नहीं की। मतलब कूटनीतिक रास्ते से इजराइल के इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत का जो साथ मांगा था, भारत ने उसे पूरा कर दिया। भारत ने सच्चे मित्र की भूमिका अदा करते हुए इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में दो प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें से एक था गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अविलंब रोके जाने, वहां की घेराबंदी को खत्म किए जाने और इजरायल के हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन भारत उससे दूर रहा। 47 सदस्यों वाली परिषद में 28 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि 6 ने विरोध में वोट दिया। 13 सदस्य देश मतदान से दूर रहे। भारत ने फ्रांस, जापान, रोमानिया और अन्य देशों के साथ प्रस्ताव से दूरी बनाई, जबकि अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और अर्जेंटीना प्रस्ताव का विरोध करने वाले प्रमुख देश थे। इजराइल के खिलाफ वोट करने वाले देशों में रूस, चीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत, मालदीव, कतर, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और वियतनाम प्रमुख थे। प्रस्ताव के विरोध में इजरायली राजदूत ने सत्र का बहिष्कार कर डाला था। चलिए आपको बताते हैं कि इजरायल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का क्या रुख है। दरअसल इजरायल और फिलिस्तीन के आपसी विवादों पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा था कि दोनों देशों को शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, साथ ही दोनों देशों को एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन से संबंधित बैठक में कहा था कि पहले से ही हमारा मानना है कि मुद्दों का समाधान और शांति दो पक्षों के बीच आपसी वार्ता से ही हो सकती है। भारत उन सभी प्रस्ताव का स्वागत करता है जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, ताकि सीधी बातचीत फिर से शुरू हो और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। खैर, जिस तरह से भारत ने एक बार फिर से अपनी कूटनीति दिखाई, उसे देख रूस, अमेरिका, चीन के भी कान खड़े हो गए हैं। देखना तो ये होगा कि आगे भारत किस तरह से इजराइल को बचाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं।